हैं अवर नेशन इन अवर ट्यूलिप्स. ओके, हमने एक्सरसाइज हमारे ट्यूलिप में फिनिश कर ली है. नाउ वी विल डू इन अवर सीडब्ल्यू. हम हमारी सीडब्ल्यू में लेसन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे. ओके, तो जहां पर आपने लेसन 6 के आंसर द फॉलोइंग फिनिश किए हैं उसके नेक्स्ट पेज से आपको लेसन नंबर 7 के यूनिवर्स स्टार्ट करने. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट डाउन डेट. आप जिस पे दिन लिख रहे हैं आपको डेट लिखनी है. उसके बाद मार्जिन के ऊपर जैसे हम हमेशा लिखते आए हैं वैसे ही लिखना है. नो चेंज इज देयर. ओके, सो लेसन नंबर 7 के लिए हम हेडिंग मार्जिन के ऊपर लिखना है आपको LESSON 7. देन इन फर्स्ट लाइन ये आपको लिखना है मार्जिन के ऊपर. अब फर्स्ट लाइन के मिडल में लेसन का नेम जो है अवर नेशन OUR NATION. ओके, अवर नेशन ये आपको लिखना है फर्स्ट लाइन के मिडल में. देन इन सेकेंड लाइन आपको हेडिंग लिखनी है न्यू वर्ड्स. ओके, राइट डाउन NEWWORDS new words. Okay, you can do underline also. Okay, new words ki heading. Then from next line we are going to start our new words of lesson number 7. So hamara first new words kya hai students? Religion. Okay, so write down RELIGION. रिलीजियन मतलब धर्म. ओके, हमारे भारत देश में हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. सब टाइप के रिलीजन के लोग रहते हैं मिलजुल कर. ओके, सो RELIGION रिलीजियन. देन नेक्स्ट वन इज एम्ब्लेम. ओके, राइट डाउन EMBLEM एम्ब्लेम. ओके, हमारा नेशनल एम्ब्लेम वो क्या है, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. उसमें टोटल 4 लायंस होते हैं. देन नेक्स्ट वन इज करेज. ओके, CORAGE करेज साहस. ओके, हिम्मत. देन नेक्स्ट वन इज करेंसी. ओके, राइट डाउन CUREN CY करेंसी. ओके, जो हमारे इंडियन रुपी है, इंडियन जो नोट्स है उसमें इंडियन करेंसी में नेशनल एम्ब्लेम के फोटोज वो होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज अटेंशन. ओके, ATTENTION अटेंशन. जब भी हम नेशनल एंथम बोलते हैं गाते हैं तो हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, अटेंशन. ओके, यू ऑल नो दैट. देन आपने ये 5 लिखे, ये आपको 5 लिखने हैं वन रो में. अभी जो मैं लिखने वाली हूँ वो आपको सामने ध्यान में लिखने. ओके, एज ऑलवेज. देन नेक्स्ट वन इज सिंबल SYMBOL सिंबल. ओके, SYMBOL सिंबल. ओके, देन नेक्स्ट वन इज country. Write down CONTRY country मतलब देश. then independence. ओके, आपको ये spelling जरूर याद रखनी है because answer the following में आपको ये word आने वाला है. you must know this spelling INDEPENDENCE independence. ओके, then next one is फ्रीडम मतलब आजादी. FREEDOM फ्रीडम. ओके, हमारे देश को आजादी किसने दिलवाई थी, गांधी जी ने. ओके, फ्रीडम इज आजादी. देन हमारा लास्ट वर्ड इज नेशनल. राइट डाउन NATION नेशनल. आपको पहले नेशन की स्पेलिंग तो आती होगी, नेशन लिखना है फिर लास्ट में AN लगा देना है. National, okay, very simple. Okay, total 10 new words are here. Okay, so students, let's read once again. Religion, first one is religion, R-E-L-I-G.
G-I-O-N, religion. Then emblem, E-M-B-L-E-M, emblem. Next one is courage, C-O-U-R-A-G-E, courage. Then next one is currency, C-U-R-R-E-N-C-Y, currency. A-T-T-E-N-T-I-O-N, attention. Next one, symbol, S-Y-M-B-O-L, symbol. Then after that is country, C-O-U-N-T-R-Y, country. Independence, I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-C-E, independence. Okay, very easy spelling. Then freedom, F-R-E-E, free, D-O-M, dumb, freedom. आप ऐसे वेव करो याद रखना ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए. ओके, फ्रीडम. देन लास्ट वन इज नेशनल, N-A-T-I-O-N-A-L, नेशनल. ओके, सो स्टूडेंट्स हमने ये व्यूअर्स फिनिश कर लिए हैं. अब हम क्या करेंगे हमारे CW में, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो आपके ट्यूलिप में दिए हुए हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको. सोलो क्रिटिक आउट पेज नंबर 197 इन योर ट्यूलिप, एंड आप वहां से क्वेश्चंस लिख सकते हैं. ओके, सो राइट डाउन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले answer the following questions. Okay, do underline also. Okay, now if you look at it, Philip, our first question is name any two national symbols. आपको कोई भी two national symbols के नेम लिखने हैं. First of all, write down question. Name any two national symbols. Full stop. Okay, क्या क्वेश्चन, नेम एनी टू नेशनल सिंबल्स. आपको कोई भी टू नेशनल सिंबल्स लिखने हैं. सो व्हाट विल राइट स्टूडेंट्स, सी राइट डाउन आंसर. ओके, हमने समझे थे हमारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से थे, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड. ओके, सो आपको कोई भी टू लिखने. सो व्हाट विल राइट स्टूडेंट्स, नेशनल फ्लैग राइट डाउन, N-A-T-I-O-N-A-L, national flag and national emblem. Okay, national flag and national emblem. आपको कोई भी टू लिखने हैं, हमने क्या लिखे, national flag and national emblem. Then second word students. Name the colors of our national flag. Write down question first. Name the colors of our national flag. No spelling mistake should be there. Okay, आपको एकदम अच्छे से लिखना है. Okay, जो हमारे national flag है हमारा, उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं, टोटल थ्री राइट, सेफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन. सो राइट डाउन आंसर, एस ए डबल एफ आर ओ एन, सेफ्रॉन कॉमा डब्ल्यू एच आई टी ई, व्हाइट एंड जी आर डबल ई एन ग्रीन. टोटल थ्री कलर्स आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग. कौन कौन से स्टूडेंट्स, सेफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन. एंड इन तीनों स्पेलिंग्स बहुत इजी है, आप इजी लर्न हो जाएंगे. ओके, देन अवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, राइट
टोटल नेशनल फेस्टिवल्स 3 हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। बट अभी हमें इस आंसर में सिर्फ कोई भी 2 लिखने हैं, आप भी इन तीनों में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। अभी हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस डे, राइट डाउन INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एंड पब्लिक डे। ओके, टू नेशनल फेस्टिवल सीखे हमने, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। आप गांधी जयंती भी लिख सकते हैं बिकॉज वो भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है। देन लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फिफ्थ वन, व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड, हम गांधी जयंती कब मनाते हैं। व्हेन इज गांधी एंड जयंती में फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ओके, GANDHI, गांधी जयंती सेलिब्रेटेड। व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेट, हम गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं। सो व्हाट विल राइट स्टूडेंट्स, 2nd October, राइट डाउन 2nd October, October, ओके। सो आपको टोटल 5 क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं आपकी सीएलबी में। सो फर्स्ट वन, नेम एनी 2 नेशनल सिंबल्स, तो क्या लिखा हमने स्टूडेंट्स, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एम्ब्लेम। देन सेकेंड वन, नेम द कलर्स ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, आपको नेशनल फ्लैग के कलर्स लिखने हैं, सो सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, ओके। देन थर्ड वन, व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, सो लोटस, ओके, LOTUS, लोटस। फोर्थ वन, नेम एनी 2 नेशनल फेस्टिवल्स, कोई भी 2 नेशनल फेस्टिवल्स लिखने हैं आपको, सो हमने क्या लिखा, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, यू कैन राइट गांधी जयंती ऑल्सो, इन दोनों से किसी की भी जगह आप गांधी जयंती भी लिख सकते हैं। व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड, गांधी जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, सो 2nd October, ओके, आपको स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 7 में, CW में लेसन नंबर 7 के न्यू वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं, आपको भी लिखने हैं आपको CW में, एंड कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एंड योर हैंडराइटिंग शुड बी नाइस, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।